हेलो फ्रेंड्स, आज हम लिटिल नाइटमेयर 2 के पार्ट 9 खेलेंगे। चैप्टर 4 के बॉस थीन मैन को हम प्रीवियस पार्ट में मार दिए थे, लेकिन अभी तक हमारे साथ हमारा टीममेट नहीं है। एक बार हम बहुत ही करीब थे 6 को बचाने में, लेकिन थीन मैन फिर से ले गया। कोई पता नहीं हमारा टीममेट जिंदा है कि मर गई। बिना किसी टाइम वेस्ट के चैप्टर 5 शुरू करते हैं। इससे पहले जब हम ये टनल से गुजरते हुए दरवाज़ा खुले थे तो थीन मैन निकला था। पता नहीं इस बार कौन निकलने वाला है। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अच्छा, फिर से एक दरवाज़ा खुला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी के खिलाफ सब चीज़ हो रहा है। चेयर टेबल सब ऊपर उड़ रहे हैं। पता नहीं ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है। मुझे लगता है चैप्टर का बॉस सुन रहा होगा इस म्यूजिक, या फिर प्ले कर रहा होगा। ये वाला दरवाज़ा बंद हो गया। सामने 3 दरवाजे हैं, ऊपर भी 3 हैं, सारे के सारे बंद हैं, लेकिन साइड में एक दरवाज़ा खुला है। बंद होने से पहले यहाँ से निकलते हैं। ये दरवाज़ा मुझे मिरर इमेज की तरह लग रहा है, दोनों कनेक्टेड है। ये वाले दरवाजे के पास जब आते हैं तो हमें म्यूजिक सुनाई दे रहा है। यहाँ कोई दूसरा रास्ता भी है नहीं, यहाँ से कैसे जाएं फिर। अभी म्यूजिक चेंज हो गया, ये वाला दरवाजे पे म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, दूसरा वाला दरवाजे पे सुनाई दे रहा है। पता नहीं इस म्यूजिक का क्या कनेक्शन है। इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ हो सकता है शायद, कोई सीक्रेट रोड। इस पजल को समझने में थोड़ा टाइम लगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट पजल था, आसान पजल है। आपको खाली म्यूजिक को फॉलो करना है और कुछ नहीं। जहाँ से भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसी रास्ते चलो। ये वाले दरवाजे पे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। पीछे जो दरवाज़ा था उसको एक बार चेक कर लेते हैं। वापस यहाँ चले आए। आपको यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जहाँ से म्यूजिक आ रहा है, जहाँ से आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है उसी रास्ते चलो।
यहाँ से म्यूजिक सुनाई दे रहा है लेकिन यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पीछे जो एक दरवाज़ा है वो लॉक है, इसके कारण हम यहाँ से नहीं जा सकते। गलत जगह एंट्री कर गए क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कब ये म्यूजिक वाला पजल ख़त्म होगा। प्रीवियस गेम प्ले वीडियो में हम देखे थे जब हम थिन मैन से बच के भाग रहे थे, ट्रेन के क्रैश होने के कारण हम बुरी तरह घायल हो चुके थे, तो अभी हमें सिक्स के शैडो आगे जाने के लिए रास्ता दिखा रहा था। शैडो देख के लग रहा था हमारा टीममेट अभी तक जिंदा है। ज़रूर हमें बहुत ही टाइम लग रहा है सिक्स को ढूंढने में। हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिक्स को रेस्क्यू करेंगे। बीच में गड्ढा है, इस लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे दूसरी तरफ जाने के लिए। म्यूजिक यहीं से आ रहा था, इस म्यूजिक बॉक्स से। काफ़ी सारे खिलौने यहाँ पर बिखरे हुए हैं। अरे ये सिक्स को क्या हो गया? अभी हमारा टीममेट एक मॉन्स्टर को कन्वर्ट हो गई है। पता नहीं थिन मैन ने ऐसा क्या जादू किया सिक्स के ऊपर जो वो मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई। जब हम इसके पास जा रहे हैं तो ये इस म्यूजिक बॉक्स को छिपा रही है। अब क्या करें, यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते। शायद इस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ना पड़ेगा तभी जाके सिक्स नॉर्मल हो जाएगी।
ये हम कहाँ चले आए? ये घर टूट रहा है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। सिक्स को भी गुस्सा आ गया और वो हमें मारने की कोशिश कर रही है। सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी मॉन्स्टर बन चुकी है सिक्स। थीन मैन ने हमारे टीममेट के साथ बहुत ही बुरा किया। वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान मौत मरा है थीन मैन ने। डॉक्टर को जिसे मारे थे उसे मारना चाहिए था थीन मैन को। अभी भी पकड़ के बैठी है वो म्यूजिक बॉक्स को। उस म्यूजिक बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लेट हो गए इस बार, दोबारा कोशिश करते हैं। शायद फिर से हिट करना पड़ेगा उस म्यूजिक बॉक्स के ऊपर। इस बार बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। पिछले बार तो दो ही गेट थे, अभी चार गेट हैं। देखते हैं कैसे डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं इस म्यूजिक बॉक्स को कि फिर से मारे जाते हैं। हमारा टीममेट बहुत ही गुस्से में है, पहले उससे बचना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम म्यूजिक बॉक्स को तोड़ पाएंगे। इसका हाथ भी टेलीपोर्ट हो सकता है। दोबारा कोशिश करते हैं इस म्यूजिक बॉक्स को तोड़ने के लिए। शायद फिर से और एक बार हिट करना पड़ेगा उस म्यूजिक बॉक्स पे। इस बार हमारे पास हमारा हथियार नहीं है, दूर पड़ा है, उसको लाना होगा। पहले गेम का डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ रहा है।
तीसरी बार हम मारे गए अपने टीममेट के हाथों। सिक्स मॉन्स्टर बन चुकी है, हमें उसे वापस इंसान बनाना होगा। और एक बार म्यूजिक बॉक्स को हिट करना पड़ेगा और सिक्स हमारा बिल्कुल सामने ही है। काफ़ी देर मॉन्स्टर सिक्स से फाइट करते हुए हमें फाइनली इंसान वाला सिक्स मिल गया है। अब ये कौन सा चीज़ है? बिना हड्डियों वाला इंसान? इंसान तो नहीं है, मॉन्स्टर है शायद। यही चैप्टर फाइव का बॉस होगा। चारों तरफ से फैला हुआ है। अरे नहीं, फिर से मारे गए। दोबारा कोशिश करते हैं, कहीं से भी आग निकल रहा है उसका। फिर से गलत टाइमिंग, गलत जंप। इस बार कोई गलती नहीं कर सकते। जी हाँ, पकड़ लिया। जल्दी ऊपर खींच और निकलेंगे यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ग्रैब का बटन तो मैं पकड़ के रखा था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिक्स गेम में जहां भी हमको जरूरत था वहां हेल्प किया। गेम के शुरुआत से ही हम इस खतरनाक दलदल से बाहर निकलना चाहते थे। एंड में जब हम बाहर निकलने के दरवाजे से बहुत ही करीब थे, हमारा टीममेट हमें धोखा दे के खुद अकेले ही निकल गई। किसी ने सच ही बोला था, आखिर में सबका कटता है। सिक्स ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है जब थीन मैन ने सिक्स को ले गया था, वहाँ उसका ब्रेन वॉश किया गया हो। ऐसे भी हो सकता है सिक्स को लग रही है हम उसे बचाने में काफ़ी देर कर दिए, जिसके कारण वो मॉन्स्टर सिक्स बन गई थी और वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। शायद अब हम मॉन्स्टर के ऊपर है, जो हमें थोड़ी देर पहले मारने की कोशिश कर रहा था।
जी हाँ, वही मॉन्स्टर है जो चारों तरफ फैल रहा था और उनके बहुत सारे आंखें थे। चारों तरफ अंधेरा है और मॉन्स्टर फैला हुआ है। इस चेयर ही है जहाँ पर हम सेफ रहेंगे। चारों तरफ से मॉन्स्टर ने हमें ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर कोई भी नहीं है। मोनो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा होगा। अभी मोनो धीरे धीरे बड़े हो रहा है। क्या मोनो ही थीन मैन है? सीस को शायद पता चल गया होगा मोनो ही थीन मैन है, नहीं तो थीन मैन के बेटा होगा, इसीलिए यहाँ छोड़ के खुद निकल गई। ये भी हो सकता है जब सिक्स बाहर निकल गए मोनो अकेला हो गया और मोनो खुद अपने आप को नेगेटिव कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। एंडिंग काफी सस्पेंस से भरा हुआ था, इसका मतलब हमें पार्ट 3 खेलने को मिलेगा। गेम ख़त्म हो चुका है। अगर इस गेम के बारे में बात करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था। स्टोरी लाइन, साउंड ट्रैक, ग्राफिक सब कुछ बहुत ही अच्छा था। गेम में टोटल 5 चैप्टर थे। सभी चैप्टर एक्शन और थ्रिलर से भरा हुआ था। चैप्टर के बॉस सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थे। सभी बॉस के अलग अलग स्पेशल पावर और एबिलिटी होता था। सबसे पावरफुल बॉस मुझे चैप्टर 2 के टीचर लगा। गेम में टीचर एकमात्र ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है जिसको हम मार नहीं पाए थे। सबसे कम पावरफुल बॉस मुझे हंटर लगा। वैसे भी हंटर चैप्टर 1 का बॉस था। गेम जैसे ही आगे बढ़ता गया, गेम का इंटेंस वैसे ही बढ़ता गया। लिटिल नाइटमेयर्स 2 मेरा पहला हॉरर और पजल सॉल्विंग गेम है। मैं काफ़ी एंजॉय किया इस गेम को। अगर आप भी इस गेम को खेलना चाहते हैं ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन और बहुत ही अच्छा गेम है। इस गेम का PC रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है। आप इस गेम को कोई भी लैपटॉप से बड़े आसानी से खेल सकते हैं। मैं इस गेम का प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पर दे दूँगा, आप वहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लिटिल नाइटमेयर्स 2 गेम ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं एक नया गेम प्ले वीडियो के साथ।